हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फहद मुश्ताक ऑफिशियल। तो गाइज यार मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने लग गए। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मेरा लैपटॉप ख़राब निकला, तो उस पर ऐसे रिएक्शन आने लग गए पता नहीं क्या कि भाई मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर लिया ऐसा लैपटॉप लेके। और भाई पूरी यूट्यूब की वीडियो तो देख लिया करो, आखिर में यही था कि लैपटॉप चेंज करा लिया था, ये ले आया था। पूरी वीडियो देखते तो आपको शायद अंदाज़ा हो चुका होता, सिर्फ टाइटल पढ़ लिया या स्टार्टिंग में एक दो मिनट की क्लिप देख के आपने व्लॉग कर लिया। ऐसे तो नहीं होता ना, आप पूरी वीडियो देखो, पूरी समझ आए, आपको अंदाज़ा हो कि हाँ भी मैं मतलब उस वीडियो में क्या कहना चाहता हूँ। पूरी अगर देखनी है ब्रदर तो वीडियो पूरी देखो ताकि मज़ा आए, समझ आए कि फहद कर क्या रहा है। मैं वीडियोस अगर बना रहा हूँ मैं सिर्फ खुद की रिजात के लिए नहीं बना रहा, जो मेरी वीडियोस देखते हैं या जो मुझे जानते हैं या जो मेरे करीबी हैं उनको अंदाज़ा हो कि फहद की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं ये सारी अपनी रूटीन आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ज़िंदगी में हो रहा है, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। व्लॉगिंग इसी को कहते हैं, डेली लाइफस्टाइल, और मैं डेली वीडियो डालता हूँ। लोग ऐसे भी व्लॉगर्स हैं जो 5-10 दिन बाद जब उनको एक्टिविटी लगती है, उनका दिल करता है, वो वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अच्छे तरीके से अपना चाहता हूँ कि मैं डेली कंटेंट डालूँ, जो हो सकता है जैसा भी हो मुझे टॉपिक ढूंढना है, मैं अपने व्यूवर्स के साथ उसको शेयर करूँ जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। तो बात रही है इस यहीं पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अभी मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैंने लैपटॉप कौन सा लिया है। ये मेरा परमानेंट यही लैपटॉप रहेगा भाई, ठीक है, जब तक इसको कोई खराबी नहीं होती। तो चलो मैं आपको लैपटॉप से मिलवाता हूँ। ये है भाई HP का कोर i5 7 जनरेशन लैपटॉप, ठीक है। सॉरी ये माउस की पिन लगी हुई है। ये लेके आया हूँ उधर से ही जहाँ से मैंने तोशीबा का लिया है। तोशीबा में पता है मसला क्या था, उसमें थी थोड़ी सी खराबी, वो हैंग हो रहा था। मे बी उसमें विंडो 11 की थी ना, विंडो 11 मतलब बहुत हैवी है, वो बड़े बड़े प्रोसेसर्स भी नहीं सह पा रही। मैंने कंपैरिजन देखा विंडो 10 और 11 का, तो मतलब जितने भी हैवी पीसीज थे जिनके पास भी, यूट्यूबर आप सर्च कर लो, तो उनके पास भी हैवी हो रही थी। तो मेरा तो भाई ये अभी कोर i5 7 जनरेशन, और ये है भी लैपटॉप, ज़्यादा ये महंगा नहीं है। अगर लैपटॉप आप महंगे देखोगे ना तो कम अज़ कम 4-5 लाख से तो ऊपर की गेम है, अगर आप कहते हो कि हर चीज़ में बेस्ट हो। ये बेस्ट था एडिटिंग के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने बजट के हिसाब से देख रहा हूँ, ना कि मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव करना है। तो ये मतलब ठीक है, लाइट वेट भी है, अच्छा है, मेरे हाथों में भी आप देख सकते हो, इसकी स्क्रीन मैट में है, मतलब निशान विशान नहीं होने। और ये यूज्ड है भाई, ये 60,000 का मुझे पड़ा है, ठीक है, 55 का ये पड़ा है, और ऊपर मतलब चार्जर और इसकी मतलब कवरिंग कराने पर मुझे 60,000 ही लग जाना। तो ये सूरत हाल है, ये लैपटॉप है। और सॉरी पासवर्ड तो दे दूँ, खुल गया। और ये क्या खुल गया, ये मैंने अपने काम के लिए रखा हुआ ना, इसको यूज़ भी, इसकी बैटरी टाइमिंग भी नंबर 1, इसकी बैटरी टाइमिंग 2 घंटे, चार्जिंग स्पीड आधा घंटा हो गया। रेंज इसकी, प्राइस रेंज इसकी प्राइस है मुझे 55 का पड़ा है, ठीक है, चार्जर और ये चीज़ें मिला के साथ, ठीक है, 60,000। तीसरी बात इसकी क्वालिटी, ये फ्रंट चीज़ ये बहुत, ये मतलब प्रीमियम लुक देता है। इसकी LCD, ठीक है, मैट में इसकी ये वाली जगह, मतलब वो मतलब रफ रफ टाइप नहीं होती, ऐसी बनी हुई है, कैमरे में नहीं नज़र आएगा ना, वो जो फेस टू फेस मुझे मिल सकता है उसको मैं दिखा सकता हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी में है, HP का टैग, सिल्वर कलर, और ये स्लिम है, स्मार्ट है, ये जगह मतलब इसकी जो लुक पर्सनैलिटी वाइज लैपटॉप है ना वो बेस्ट है, ठीक है। और इसमें स्लॉट्स भी दी गई हैं, थोड़ा सा ये कार्ड एक्स्ट्रा लगने के लिए जो कैमरा यूज़ करते हैं उनके लिए, यहाँ पे SD कार्ड लगाओ और डाटा ताज़ा कॉपी कर लो, HDMI इसमें पोर्ट है, दूसरा वो जो कंप्यूटर में ब्लू नहीं लगती तार केबल उसका भी इसमें पोर्ट है, तो वो जो छोटी होती है ना मतलब स्मार्ट एलीट बुक टाइप, और इस टाइप की जो लैपटॉप्स आते हैं छोटे मतलब मिनी वाले, तो उसमें इतना ऑप्शंस नहीं होते अवेलेबल। तो मैंने ये अपने हवाले से लिया है। इसमें हार्ड डिस्क स्टोरेज 1 TB 1000 GB, इसकी रैम है 8 GB रैम, और इसका ग्राफिक कार्ड से इसमें लगा हुआ है 640 MB, सॉरी 1 GB कार्ड करने लगा हुआ। और रुको मैं आपको ना यहाँ पे ले आता हूँ और इसके सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखाते भी हूँ। चलो चलो आ गए मेरे सेटअप पे, अब इसको मैं ना सेटिंग खोल के दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज़ ये चेक करना। ये हो गया 8 GB रैम कोर i5 7 जनरेशन। ये जो ये लाइन है ना 7200U, ये अगर 3 होगा तो 3rd जनरेशन होगा, 4 होगा 4th जनरेशन होगा, 5th होगा 5th जनरेशन होगा, तो ये ऐसे सेटअप है।
और ये 2.5 GHz से 2.7 GHz तक इसको सपोर्टेड है, मतलब प्रोसेसर। और ये 64 बिट है, अब विंडो 10 प्रो लगी हुई है, बस यही चीज़ है। तो मतलब लैपटॉप बहुत अच्छा है सेटिंग में, और मैं क्या दिखाऊँ आपको, दिखाने में तो कुछ है नहीं, बाकी हैंग शेंग नहीं हो रहा, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है, और ये है मेरा परमानेंट लैपटॉप। तो जो आपको परेशानी थी कि लैपटॉप ख़राब है, क्योंकि यार मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे, एक होता है दो होता नहीं, बहुत लोगों ने पूछा, फेस टू फेस बस्ती गया, गाँव गया, तो वहाँ पे भी लोगों ने पूछा कि लैपटॉप ख़राब निकला, अच्छा ये वो, ओ भाई लैपटॉप ख़राब निकला लेकिन वो चेंज हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करके जाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यार हो सके तो अपने जानने वालों से भी सब्सक्राइब करो, जो मुझे नहीं जानते वो मुझे ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, तो उनको भी जाके आप शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें, जो मेरे जानने वाले हैं वो भी अपने ख़ानदानों में मुझे फैला दें, जो मेरे बिरादरी के हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।